गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अभिनव बिंद्रा शूटर, जो इंडिया के शूटर है, जिन्होंने इंडिया को 28 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था, और ये फर्स्ट प्लेयर है जिन्होंने इंडिया को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। अभिनव बिंद्रा, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है ये, और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और इनका बॉर्न उत्तराखंड में है। आज इनके बारे में जानेंगे हम। शूटिंग गेम क्या होती है? सबसे पहले आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए। सामने टारगेट होगा, छोटा एक पेज होगा, उसमें 9, 8, 7 और 10 ऐसे पॉइंट होंगे सर्कल वाइज में। उसमें आपको राइफल से शूट करना है, वो जो गोली का निशान जहाँ लगेगा वहाँ से पॉइंट होंगे आपके, ये आप सबको पता है। इसलिए शूटिंग में फर्स्ट स्टेप होता है खुद के ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल होगा तभी आपका एम अच्छे होगा, तभी आपका ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो इनके रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे अब। इनका ओलंपिक में सबसे पहले इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये खुद थे, अभिनव बिंद्रा। फिर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें भी उनका गोल्ड मेडल है। उसके बाद एशियन गेम हुई थी, उन्होंने एशियन गेम के अंदर दो बार, पहले बार में सिल्वर मेडल आया, उसके बाद थर्ड ब्रॉन्ज में दो मेडल है उनके, और कॉमनवेल्थ में उनके चार बार, कॉमनवेल्थ में चार बार गोल्ड मेडल है उनका। ये हमेशा आप याद रखें, चार बार कॉमनवेल्थ में दो मेडल है और ओलंपिक में एक है, और वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में उनका एक मेडल है। ये आप फोटो में देख रहे हो कि राइफल के अलग अलग डिफरेंट पार्ट है। एयर राइफल है, लॉन्ग राइफल है, शॉर्ट गन है, रैपिड फायर पिस्टल है, फिर फ्री पिस्टल है, एयर पिस्टल है। तो इसमें लॉन्ग राइफल है वो 50 मीटर की रेंज में होती है, मतलब 50 मीटर उसका टारगेट पॉइंट रखा होता है। उसमें तीन पोजीशन आती है, सबसे पहले ज़मीन पे सो जाने की, उसके बाद स्टैंडिंग होती है, फिर आपके घुटनों पे बैठ के शूट करना होता है। तीन पोजीशन होती है, ये आप हमेशा याद रखना। और ये अभिनव बिंद्रा इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर है, और वो एक बिजनेसमैन भी है। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आपको एक साल में सिर्फ 3 मंथ काम करना होता है, वो इंडियन आर्मी का एक पार्ट होता है।